अगर आप भी अभिषेक की तरह परेशान हैं और ये समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में SIP के रास्ते निवेश करना बेहतर है या लमसम, तो हम आपकी इस मुश्किल को आसान कर देते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो SIP और लमसम में डिफरेंस ये है कि SIP आपको तब करना चाहिए जब आपके पास मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हो। लमसम आपको तब करना चाहिए जब आपके पास एक साथ एक लंबा अमाउंट या ज्यादा अमाउंट आ जाए, तो उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड निवेशक के पास म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP, और दूसरा तरीका है लमसम यानी कि एकमुश्त निवेश का। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाकर दोनों से अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। दोनों के बीच मूल अंतर निवेश की फ्रीक्वेंसी का है। SIP के जरिए निवेशक के पास हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने या 3 महीने में एक बार धीरे धीरे और छोटी छोटी राशि निवेश करने का विकल्प होता है, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट में इकट्ठा यानी कि एक साथ सारी पूंजी लगाने की जरूरत होती है। आमतौर पर एक्सपर्ट लोगों को SIP के जरिए निवेश करने की ही सलाह देते हैं। म्यूचुअल फंड में बड़ी संख्या में छोटे निवेशक पैसा लगाते हैं, इसलिए उन्हें SIP के जरिए ही निवेश की सलाह दी जाती है। के पास ये ऑप्शन है कि या तो SIP करे या लमसम करे, तो दोनों में से क्या बेटर है अगर कोई पूछे, तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऑप्टिमिस्ट है और उनको लगता है कि मार्केट्स खाली ऊपर ही जाएंगे, तो लमसम बेटर है। बट रियलिस्टिकली अगर देखें तो मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, तो SIP बेटर रहता है या स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट बेटर रहता है। SIP के जरिए निवेश पर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि इसमें कई फायदे होते हैं। इसमें बाजार की गिरावट के दौर में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, यानी जब बाजार गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिल जाते हैं। इसमें निवेशक को बाजार को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती है। लमसम निवेश उसी को करना चाहिए जिसको इस बात का अंदाजा हो कि मार्केट में कब उतरना सही है, क्योंकि अगर आपने बाजार की ऊंचाई के करीब पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बाजार लंबे समय तक गिरावट के दौर में रहा या 10-15% गिर गया, तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर आपको बाजार की दिशा की अच्छी समझ है, आपने बाजार में गिरावट के दौर में लमसम निवेश करते हुए सस्ते NAV पर ज्यादा यूनिट खरीदे और इसके बाद लगातार बाजार बढ़ता रहा, तो आपको अच्छा फायदा भी हो सकता है। SIP का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि एक साथ आपकी बड़ी रकम ब्लॉक नहीं होती और आप हर हफ्ते या हर महीने छोटी सी रकम से भी निवेश कर सकते हैं। एक फायदा ये भी होता है कि आपको टॉप अप करने का मौका मिलता है, यानी अगर कभी आपके पास ज्यादा पैसा आया तो आप SIP की रकम को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर जोखिम की बात की जाए तो SIP में जोखिम कम होता है, क्योंकि एक बार में आपकी छोटी रकम लगती है जबकि लमसम में ज्यादा अमाउंट एक साथ लगने से बाजार में बड़ी गिरावट होने पर रिस्क भी ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लमसम और SIP के बीच चुनाव काफी हद तक आपकी फंड की उपलब्धता, जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पड़ला तो SIP का ही भारी है। जानकार कहते हैं कि अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है और वो उसे एक साथ ही निवेश करना चाहता है, तो उसे भी धीरे धीरे टुकड़ों में ही निवेश करना चाहिए।